एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ ना हो क्योंकि फिर हमें बाद में कैंपिंग करना मुश्किल हो जाएगा। गति तो सही में नहीं भौंक, ये क्या आवाज है? ये तो ये है, लोहार आएगा ना। नहीं उधर मत जाना, उधर मत जाओ, उधर मत जाना, भाई यहाँ पर रहो बस। दो तीन बजे के टाइम पे आए हो इधर, बहुत पास से आई थी, बहुत पास से। ऐसा लगा कि यहीं पे वहीं पे चला। हाँ किधर से आज हम सब अंदर ही। क्या इसको बंद कर। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा दार्मी गांव प्रकृति की सुंदरता के मुकुट में चढ़ी रत्न की तरह उभरता है। दार्मी सिर्फ एक गांव नहीं है, ये शांति का अभयारण्य है जहां हवाएं सदियों पुरानी कीवदंतियों की कहानियां लेकर आती हैं और घाटियों में पहाड़ी झरनों के गीत गूंजते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुरमई परिदृश्य नहीं है जो आत्मा को मोहित कर लेते हैं, ये रहस्य की आभा है जो पर्दे की तरह हवा में लटकी हुई है। स्थानीय लोग शांत स्वर में रात के सन्नाटे में होने वाली अजीब घटनाओं, जंगल में टिमटिमाती रोशनियों और पेड़ों के बीच से घूमते छायादार आकृतियों के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहाड़ों की आत्माएं हैं, जबकि अन्य पृथ्वी पर आने वाले परग्रहियों के बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि गांव के हर कोने में एक अनकही कहानी है, एक पहेली है जो सुलझने का इंतजार कर रही है। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम दार्मी गांव तक पहुंचने के लिए खूबसूरत हिमालय ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरते हैं। दार्मी पहुंचने पर हमें गांव के रहस्यमय कहानियों और घटनाओं के बारे में पता चलता है। हमने आपको विक्रम के परिवार के अजीब असाधारण घटना के बारे में बताया। हमने आपको विक्रम के परिवार वालों से भी मिलाया और उनके साथ घटी अलौकिक घटना उन्हीं के जुबानी सुनाया। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो मेरा सुझाव है कि आप पहले उसे देखें और फिर इस वीडियो को शुरू करें। हेलो, गुड मॉर्निंग। इट्स अ वेरी पीसफुल मॉर्निंग और एकदम विलेज लाइफस्टाइल के साथ। बहुत ही प्यारा गांव है और वो जो शांति होती है ना गांव में, और जो साउंड्स होते हैं गांव के वो सुनाई दे रहे हैं। जैसे बकरियों की आवाज़, सुबह सुबह चिड़ियाओं की आवाज़, इतनी प्यारी धूप और बर्फीले पहाड़। आज मौसम काफ़ी सुहावना था। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ते हैं परिदृश्य गतिविधि से जीवंत हो उठता है। किसान अपने खेतों की ओर जा रहे हैं, उनके कदमों की लयबद्ध ध्वनि परागणकारी पहाड़ी हवाओं के हल्के झोंकों के साथ मिल रही है। आज हम जा रहे हैं दार्मी गांव से ऊपर, जहां गांव वालों के खेत और छानी बने हुए हैं। कहते हैं कि ये गांव का सबसे प्रेत बाधित केंद्र है। स्थानीय लोगों की माने तो इस जगह कई अलौकिक घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें परियों का चिल्लाने से लेकर जंगल के ऊपर मंडराते चमकते गोले का दिखाई देना शामिल है। स्थानीय मान्यताओं को मानते हुए हम अपने इस खोज अभियान में आगे बढ़ने से पहले इस क्षेत्र में प्रसिद्ध नरसिंह भगवान के पौराणिक मंदिर का दौरा करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो अभी 3 बज चुके हैं और सुबह से हम गए थे विलेज टूर पे, और दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो क्योंकि हम कल रात की जो स्टोरी है वो चेज़ करें फ़िलहाल, तो मे बी हम वो विलेज टूर आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी 3 बज गए हैं और हम जा रहे हैं जंगल की तरफ, और ये देखिए हमने सारे बैग्स वगैरह पैक कर लिए हैं और हमारे साथ हमारे गाइड आ रहे हैं और उनके और दो दोस्त आ रहे हैं साथ में, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। बट फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर जंगल की तरफ और देखते हैं एक्सपीरियंस करके कि क्या है क्या नहीं। कार्तिक, क्या एक्सपेक्टेशन है आज का?
एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ ना हो क्योंकि फिर हमें बाद में कैंपिंग करना मुश्किल हो जाएगा तो वी आर होपिंग कि कुछ ना हो तो बेटर है, देखते हैं क्या होता है। मौसम खराब होने लगा था, हमने जल्दी से अपने सारे गेयर और इक्विपमेंट रेडी किए और निकल पड़े जंगल की ओर। आज का सफर दूर तो नहीं पर काफी खतरनाक था, क्योंकि इसी रास्ते में पड़ता था इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट। ये लैंडस्लाइड पॉइंट दूर से इतना डरावना नहीं दिख रहा था, पर जब हम इसके पास पहुंचे हमें एहसास हुआ इसकी विशालता का। कोलकाता कमिंग, कोलकाता कमिंग। कैसा है ट्रेन? आगे चले जाओ, ट्री लाइन से कवर कर विक्रम के पास पहुंच जाओ। लेट मी नो, कॉल मी बैक। ट्रेन इज रफ। रिपीट रिपीट। ट्रेन इज रफ। सर वही पी लेंगे। यही पे हादसा हुआ था कि स्लोप पूरा आपको अराउंड 70-80 डिग्री का स्लोप है, मतलब एटलीस्ट 75 डिग्री का स्लोप तो है ही है। जैसे ही हमने जंगल में प्रवेश किया, सामान्य प्राकृतिक आवाजें धीमी लगने लगीं, मानो ऊपर के घने बादल नीचे ध्वनि और प्रकाश दोनों को समान रूप से दबा रहे हों। आगे का रास्ता पत्तों के कारण अस्पष्ट था और पेड़ ऊपर को एक दूसरे की ओर बढ़े हुए थे, उनकी शाखाएं उंगलियों की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं। पक्षियों की आवाजें मानो ना के बराबर थीं, उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा था जो केवल हवा में हिलती शाखाओं के चरमराहट से टूटता था। सूरज की रोशनी की कमी के बावजूद जंगल अपनी खूबसूरती से अछूता नहीं था। काई से ढकी चट्टानें और गिरी हुई लकड़ियां एक नरम अलौकिक चमक में डूबे हुए थे, जबकि जंगल फूलों के टुकड़े झाड़ियों से बाहर झांक रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। यही है वो क्या टैना बोलते हैं, यही है वो जगह जहाँ आ रहे थे। आप पीछे देख सकते हो छावनियाँ बनी हुई है, व्हिच मींस ऑलमोस्ट लाइक ए फार्म हाउस। इनके लिए वहाँ पे अपने जानवरों को रखते हैं। एंड अभी कोई है नहीं वैसे, क्योंकि अभी हर कोई गांव में ही है। बहुत ही तीखी चढ़ाई थी बट हम फाइनली पहुंच गए। मौसम थोड़ी बूंदाबांदी होना शुरू भी हो गया एंड अभी हमें जाके देखना है कि कैसे हम आगे प्रोसीड करें। एंड ऑफ कोर्स जो हमारी मेन मोटिव है टू सी, टू ऑब्जर्व कि कुछ हमें फील होता है कि नहीं। सदा चावर मोटिव। मंजिल पहुंचने के उपरांत हमें आभास होता है अकेलेपन का। एक बकरी वाले के परिवार को छोड़ उस जगह कोई और नहीं था। यहाँ ऐसा महसूस हो रहा था मानो समय ठहर सा गया है और पास के जंगलों से निर्गात अज्ञात फुसफुसाहट पहाड़ की पतली हवा में गूंज रही है। तो जब हम पानी लेने जा रहे थे तो रास्ते में हम थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ के गए। वहाँ पे एक गुफा थी जहाँ पे एक दादी अम्मा अपने बेटे के साथ पे रह रही थी, अपने भेड़ बकरियों के साथ। वहाँ पे उनके पास एक गद्दी डॉग भी था और ऐसे ही उनका ये लाइफस्टाइल है। और इस टाइम पे अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं जो कि अपने भेड़ बकरियों को यहाँ चराने के लिए रुक रहे हैं। तो फिर काफ़ी डरावना भी है वो एंड काफ़ी अमेजिंग है देखना उनका लाइफस्टाइल। हालांकि हमने उनसे पूछा नहीं यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ सुनाई देता है या नहीं, बट लेट्स सी, हम आज एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि कैसा रहता है। अंधेरा होने से पहले ही विक्रम ने आग जला दी थी। विक्रम के दोस्त अभी तक आए नहीं थे तो हमने अपने लिए थोड़ा सूप बना लिया।
अंधेरा होते ही ठंड बढ़ गई थी, तो गर्माहट के लिए हम तीनों आग के बगल में बैठ सूप पी ही रहे थे कि हमें मिला हमारा पहला अलौकिक या भूतहा अनुभव। सामने के जंगल से बार बार आ रही थी एक अजीब अद्वितीय आवाज। और यहाँ हम सूप पी रहे और सामने हमारा टेंट है जहाँ लाइट जल रही है, आवाज आ रही है। और यहाँ पे जो यही लोग होंगे? नहीं, सच में जो कुछ तो आवाज थी उसको भौंक रहे ना वो गद्दी डॉग। नहीं, वो बंद हो गया, उसको सुन के गद्दी भौंकेगा ही नहीं। गद्दी अच्छा, ये अलग ही आवाज है ना। गद्दी भौंकेगा ही नहीं। गद्दी तो सही में नहीं भौंक, ये क्या आवाज है? ये तो ये है। अच्छा, ये क्यों आवाज लगा रहे हैं? बकरियां तो उनके पास ही है ना। वो ऐसा हो रहा ना, इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा। चारवाहों द्वारा आवाज देने के बाद जंगल से आई वह अद्वितीय आवाज बंद हो गई। ये एक ऐसी आवाज थी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। शुरुआत में हमने सोचा कि ये एक पक्षी है, क्योंकि ये आवाज वास्तव में कोयल पक्षी की तरह लग रही थी। हालांकि जब विक्रम ने हमारा ध्यान आवाज की ओर खींचा, तो हमें एहसास हुआ कि ये अपने भेड़ों के तलाश करते समय चारवाहों द्वारा की गई आवाज की तरह थी, लेकिन उस पूरे इलाके में कोई दूसरा चारवाहा नहीं था। आवाज खाली एक स्थान से नहीं आ रही थी। हमने महसूस किया कि ये धीरे धीरे जंगली ढलान से नीचे आ रही थी। प्रत्येक ध्वनि के साथ ये खेतों के और करीब पहुंच रही थी। जैसे ही आवाज बंद हुई, हमारे मन में बढ़ रहा तनाव शांत हुआ। कुछ घंटों बाद विक्रम के दोनों दोस्त भी हमारे कैंप साइट पर पहुंचे। अशांत माहौल के बावजूद रात का भोजन पकाने का काम जारी रहना चाहिए। माथे पर हेडलैम्प लगाकर हम मंद रोशनी वाले कैंपसाइट में घूमते हैं और खाना बनाने की सामग्री इकट्ठा करते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, मानो जंगल खुद किसी अलौकिक की उम्मीद में अपनी सांसें रोक रहा हो। खाना पकाने की लयबद्ध ध्वनियां रात के बेचैन कराने वाले शांति के विपरीत एक आरामदायक विरोधाभास प्रदान करती है। जंगल में गर्म भोजन तैयार कराने जैसा एक सरल कार्य इस अन्यथा डरावनी शाम में आराम और सामान्य स्थिति की भावना लाता है। मार्च का महीना था और शायद उस रात को कोई क्रिकेट मैच शुरू हो रहा था, लेकिन कैंप साइट में कोई नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। खाना बनाने के बाद विक्रम के दो दोस्त मैच देखने के लिए खेतों के ऊपर में स्थित एक चोटी तक चले गए। उन्हें वापस आने में समय लगना था, तो हम तीनों ने खाना खाने का निर्णय लिया। अपने थालियों में खाना परोसने के बाद हमने खाना शुरू ही किया था कि जंगली सुअर आ गए। आ गए? क्या है ये? क्या भाग है? भाग है? ये बाघ है। इधर कहाँ आ रही है आवाज? अरे इधर ही है ना, आ गया है उधर उधर। अरे इधर ही था यार, इधर ही आवाज आती। बस इधर से मैंने एकदम स्ट्रेट ऐसे ही लगाऊंगा।
या हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई होगी। हाँ ऐसा होता है ना, देवभूमि है, कोई छोटी मिस्टेक हो गई, सॉरी, जो भी हुआ होगा हमारे स्टूडेंट से उसके लिए सॉरी, माफ कर देना बस। या ऐसे ही है तो थोड़ा आग जलाने की और कुछ नहीं, वही तो आग नहीं है ना, लाइट है। भाग ना मत, अरे नहीं, नहीं। मैं भाग नहीं रही यहाँ से, तो हिल नहीं मत, मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ। ऊपर वाले भी तो है दोनों, मैं कोशिश कर रही हूँ। लाइट को अपने सर पे रखो, उधर पॉइंट रखो हमेशा, और इधर भी देखते रहो, वो एक दिशा से पति नहीं है। जब तक हम नेपाल लोहा रहेगा ना, नहीं उधर मत जाना, उधर मत जाओ, उधर मत जाना, भाई यहाँ पे रहो बस। आ जाओ, बाघ की आवाज आई है, आ जाओ इधर। आया आवाज, आया आवाज, आया था कुछ, टकरा के आई होगी इधर को, इधर था वो, तुम्हें लगा होगा इधर है। हाँ हमें यहाँ से आवाज आई थी, इधर से आई है वो आवाज, यहाँ से इधर कहीं होगा वो, इस साइड में पार्क में। अरे नहीं यार इतना भी नहीं था, बहुत पास से आई थी, बहुत पास से, ऐसा लगा कि यहीं पे वहीं पे चला। हाँ इधर होगा ना ये पार। एक ही रात में दो असाधारण घटनाओं का सामना करने के बाद हमने जल्दी से अपना खाना खत्म करके किसी आश्रय की सुरक्षा में जाने का फैसला किया। हमारे अनेक कैंपिंग एवं ट्रेकिंग अभियानों के दौरान हमने कई डरावनी आवाजें सुनी हैं। ज्यादातर जंगलों की भयानक आवाजें उल्लू या जंगली बिल्ली जैसे जानवरों की होती हैं, लेकिन आज की आवाज कुछ अलग थी। कई बार हमारे कैंपसाइट के आसपास हमने तेंदुए या गुलदार की उपस्थिति का प्रमाण देखा है। कभी कभी हमें जंगलों में रात को गुर्राने की आवाज भी सुनाई देती है, पर कभी भी किसी तेंदुए ने इतना पास आके गुर्राया नहीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई ताकत चाहती है कि हम पहाड़ों और जंगल के डर को महसूस करें। इस तेंदुए की हिम्मत को देख हमने अपना टेंट छानी के अंदर लगाने का फैसला किया। विक्रम और उसके दोस्त जो तारों को देख खुले आसमान के नीचे सोने का सोच रहे थे, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा को देख छानी के अंदर सोना उचित समझा। अगली सुबह हम पास के गुफा में रहने वाले चारवाह से मिले। वही चारवाह जो कल रात असाधारण आवाज की ओर चिल्लाए थे और जिनके चिल्लाने के उपरांत वो अद्वितीय आवाज का आना बंद हो गया था। उनका इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर ये कहना था। एक वो कौन सी आवाज थी? वो भूत आता रात में। क्या आंसर ही क्या कहते हैं? हाँ। किधर ना? तो आपने भी आवाज दी थी ना अपने साइड से एक बार? फिर चुप हो गए थे वो। कुछ देर चुप हो गया था। हाँ। उसके बाद फिर कुत्ता भौंकना भी बंद हो गया था। क्या है वो? वो ऐसी मतलब आ जाते हैं रात को, इधर कोई गिरा गुरा होगा कभी। तो देखने में तो हमारा भी नहीं आया, परंतु आता है रात को इधर से आता रोते रोते। कभी कोई आवाज निकालता, कभी कोई आवाज अजीब अजीब आवाज निकालता। अब हमको तो आदत बनी है, डर नहीं लगता है। नए नए आदमी रहेगा तो उसको डर लग जाएगा। हाँ वही तो, हमने तो पहले कभी ऐसे नहीं, हमने भी जंगलों में कैंपिंग तो किया लेकिन ऐसी आवाज तो सुनी नहीं। तो आपने जो आवाज दी वो आप ऐसे ही देते हो, मतलब ऐसे शांत करने के लिए? तो हर बार ऐसे चुप हो जाते हैं ना? जब आप पहाड़ और जंगल की छाया से निकलने वाले अलौकिक ध्वनियों के स्रोत को समझने के लिए दबाव डालते हैं तो मौलिक भय की भावना आपके अस्तित्व को जकड़ लेती है। तर्कसंगत विचार सहज भय को जन्म देता है, क्योंकि आपका दिमाग अलौकिक प्राणियों और दृष्टि से परे छिपे अलौकिक उपस्थिति की कहानियों के साथ दौड़ता है। उस क्षण में आप पहली बार अपने वैधता के प्रति जागरूक होते हैं और एक अज्ञात क्षेत्र में बस एक लाचार प्राणी बन जाते हैं। जहां तक विक्रम के परिवार के असाधारण मुठभेड़ का सवाल है, हमारा मानना है कि यहाँ हिमालय में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अभी तक समझा जाना बाकी है। ये बेहतर होगा कि उन्हें अज्ञात ही छोड़ दिया जाए।